मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक दिवसीय कांगड़ा दौरे पर है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सबसे पहले धर्मशाला महाविद्यालय के सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने MBA ब्लॉक और साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला महाविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के दौर के बाद ऐसा पहला कार्यक्रम है जब नई पीढ़ी के साथ वे मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला कॉलेज का कैंपस HPU के बाद सबसे बड़ा कैंपस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य को लेकर अच्छी रणनीति के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई कामयाब नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड का दौर अब खत्म होने जा रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 2022 को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे पूरी तरह से तैयार है। अभी तक कॉलेज का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो निर्धारित था वो कार्यक्रम हुआ है, बाकी कार्यक्रम में भी होने हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि दो भवनों के लिए यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया कॉलेज कैंपस में, और उसमें लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा का जो है उसमें 6 करोड़ के करीब, कितना है उसमें 6 करोड़ के लगभग दोनों बिल्डिंग के लिए लगभग 6 करोड़ के करीब पैसा, 7 करोड़ बचे में सर। इसमें आयोजन भी हो रहा है, कितना देखिए इतना मेलों के आयोजन से क्या लाभ हो रहा है, हिमाचल की महिलाओं को जो है मिलने वाला सरस मेलों। देखिए सरस मेला एक बहुत बड़ा हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपना प्रोडक्ट बना करके तैयार करते हैं उनको मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने में एक भूमिका निभाता है। उनको एक्सपोजर भी मिलता है, उनको प्रमोशन भी मिलता है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग भी साथ में होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर सर्फ मेले का जो आयोजन किया गया है उसके माध्यम से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जितने भी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना करके तैयार किया है महिलाओं ने उनको बहुत लाभ होता है। 2022 की किस तरह की तैयारी सर? 2022 जो है 22 के लिए तैयार हैं।